Hey guys, welcome back to CGPSC Tech presented by Bright Ventures Academy. आज का हमारा ये लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप सभी के कमेंट्स का मैं आंसर करने वाली हूँ, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं ACF के पेपर 2 में हम कौन से बुक रिफर कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, जानती हूँ कि इस वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया। एक्चुअली बात यह है कि मैं काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस करने की कोशिश कर रही थी। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, IFS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और CGPSC में काफ़ी अच्छे पोस्ट में हैं, तो मैंने उनसे बहुत ही ब्रीफली डिस्कशन किया ACF के पेपर 2 को लेकर कि कौन सी बुक रिफ़र करना चाहिए। उनसे रिव्यूज़ इकट्ठा किए और उसके बाद सारे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि ACF पेपर 2 के लिए हमें कौन सी बुक रिफ़र करनी चाहिए। तो चलिए डियर व्यूअर्स, वन बाय वन करके हम पेपर 2 के सारे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो क्लास 9 से 12th तक के लिए है, प्लस हम JEE और नीट की प्रिपरेशन कराते हैं। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है कि हम लोगों तक कैसे पहुँचे, क्योंकि मैं भी इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जब खुद पढ़ रही हूँ तो मैं लोगों तक कैसे, मैं लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ। मैं ये जो है अब खुद से मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों के लिए पेपर 2 का सारा वीडियोस लेकर आऊँगी मैं, जिसमें हम थ्योरी पोर्शन को भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ मैं आप लोगों को MCQs की भी प्रैक्टिस करवाऊँगी और प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड करवाऊँगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। बस मैं आपसे आपका सपोर्ट चाहती हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और नीचे वो जो लाल बटन है ना उसे दबाना ना भूलें प्लीज़। तो इससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आगे और वीडियोस जो है वो बनाती जाऊँ। तो चलिए आज के हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें कौन कौन से बुक्स रिफ़र करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो देखिए, आपने देखा होगा कि पेपर 2 का जो पार्ट 1 है डियर व्यूअर्स वो है केमिस्ट्री। तो पार्ट 1 और पार्ट 1 से पार्ट 3 तक के हम सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ डील कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि उसका जो सिलेबस आपको दिया हुआ है, राइट, पेपर 2 के सिलेबस में, पेपर 2 का जो सिलेबस है पार्ट 1 से पार्ट 3 तक का CGPSC ने जो जारी किया है, उसमें जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी जो CGPSC मेंस का पुराना पेपर नंबर 4 था वो हूबहू उसी तरीके से दिया हुआ है आपको। तो वो आप जब टॉपिक को सर्च करेंगे तो वो आपको मिलेगी SCRT क्या है, जो गवर्नमेंट CG गवर्नमेंट जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए जो बुक्स बांटती है उसमें 2015-16, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 2015-16 की बुक है, यहाँ पर आपको वो पूरा का पूरा सिलेबस हूबहू देखने को मिल जाएगा। इस बुक में आपको वो पूरा का पूरा सिलेबस हूबहू देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखा तो मैंने ये एनालिसिस किया है कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं। एडवांस लेवल कहने का मतलब कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा 11th-12th को टच कर जाता है। तो अगर आपको अपना बेसिक कवर करना है तो वो तो आपके इस बुक से कवर हो जाएगा, लेकिन चूंकि आपको एडवांस प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए आपको 11th-12th की NCERT जो है वो मोर देन सफिशियंट होगी। लेकिन मैंने तो आपको ऑलरेडी कह दिया है कि मैं आपके पेपर 2 की जिम्मेदारी लेती हूँ, लेकिन व्यूअर्स के मन में सवाल था, उनको बुक्स के बारे में जानना था, इसलिए मैं ये जो वीडियो है वो लेकर आई हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं पार्ट 4 की, जो कि है हमारा टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मैंने अपने जो UPSC की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन फ्रेंड से डिस्कशन करने के बाद मुझे ये पता चला कि जो बेस्ट बुक है टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए वो है अशोक कुमार सिंह, इसके ऑथर हैं, मैग्रो हिल पब्लिकेशंस की है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी अच्छी बुक है। और अगर मैं सेकेंड ऑप्शन की बात करूँ तो आपके पास स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की है डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके लिए भी आप जा सकते हैं।
फिर अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो ये ए माजिद की है। वैसे इसके रिव्यूज मुझे उतने खास नहीं मिले, तो अगर आप मेरे सजेशन चाहते हैं तो मैं तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैग्रॉ हिल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं पार्ट 5 यानी कि एनवायरमेंट की। तो अगर मैं एनवायरमेंट की बात करूं तो एनवायरमेंट के लिए जो बेस्ट बुक है वो है ल्यूसेंट्स की इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। ये बहुत ही प्रिसाइस है एनवायरमेंट सब्जेक्ट के लिए, आप बिल्कुल इस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। और एनवायरमेंट में आपको मैं बता देती हूँ कि इससे बाहर का और कुछ नहीं पूछेगा, ये बिल्कुल परफेक्ट और प्रिसाइज बुक है एनवायरमेंट की प्रिपरेशन के लिए। चलिए अब वो सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन की एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री की प्रिपरेशन हम किस बुक से करें। तो डियर व्यूवर्स, काफी वक्त लगा मुझे इसमें सर्च करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। तो बहुत लोगों से कांटेक्ट करने के बाद मैं एक निष्कर्ष पे निकली। मैंने खुद खूब मेहनत की, सर्च किया, तो मुझे ये पता चला कि जो हमारा एग्रीकल्चर यानी कि पार्ट 6 जो है हमारा एग्रीकल्चर, अगर आप उसके सिलेबस को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर सिलेबस कंपेयर किया हुआ है। यहाँ पर आपको एक तरफ देखने को मिल रहा होगा कि यूपीएससी का जो आईएफएस एग्जाम होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो सिलेबस होता है, उसके मेंस का ऑप्शनल सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर। तो आप देखेंगे कि हू बहू सारे टॉपिक्स जो है वहीं से उठकर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए इकोलॉजी एंड इट्स रेलेवेंस टू मेन, इकोलॉजी एंड इट्स रेलेवेंस टू मेन, आप देखेंगे तो हू बहू सारे वही टॉपिक्स हैं। ठीक, आपको सेम टू सेम वही टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आपको भी तसल्ली करनी है, आपको भी अगर कंपेयर करना है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये जो आईएफएस का सिलेबस है वो मैं अपलोड कर दूंगी। आप वहां पर जाइए और देख लीजिए कि जो सीजीपीएससी ने जो एग्रीकल्चर का सिलेबस दिया हुआ है आपको, वो हूबहू मैच करता है आईएफएस के पेपर नंबर 1, यानी कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका होता है एग्रीकल्चर का पेपर नंबर 1, उससे पूरा पूरा मिलता जुलता है। एक और मैं आपको प्रूफ देती हूँ, देखिए कि लास्ट पोर्शन को मैंने यहाँ पर क्रॉप करके लगाया हुआ है। देखिए मेजर डेफिशिएंसीज ऑफ कैलोरी एंड प्रोटीन, यहाँ पर भी आप देखिए जो लास्ट टॉपिक है वो आपका मेजर डेफिशिएंसीज ऑफ कैलोरी एंड प्रोटीन। तो आपको अब समझ में आ गया कि ये जो पूरा टॉपिक है वो कहाँ से निकल कर आया है, आईएफएस के मेंस के एग्जाम जो एग्रीकल्चर एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट है वहां से वो निकल कर आ रहा है। तो अब हमारे सामने ये सवाल उठता है कि हम कौन सी बुक को रिफर करें एग्रीकल्चर के लिए। तो चलिए अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, तो अगर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए एग्रीकल्चर का तो दिस इज द बेस्ट बुक। आप ये जो पीएटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है अगर आप उसकी बुक लेते हैं तो इससे आपका जो बेसिक है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, तो ये तीनों तो आपके लिए उतने ठीक है, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी कि आप इससे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉपिक्स भी कवर कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर साइंस जो है यहाँ से आपको बेसिक जो है वो पढ़ने को मिल जाएगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी मीडियम में भी ये बुक अवेलेबल है। तो और बुक्स देखते हैं हम। ये एक है अ कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, एन आर सुंडा ए एल जाट जी के द्वारा लिखी हुई है, ठीक, जो कि सुरजी पब्लिकेशन की है। ठीक, तो ये भी काफी अच्छी बुक है, इस बुक के भी रिव्यू काफी अच्छे हैं। ये थोड़ा एडवांस लेवल में चला जाता है तो इसलिए बेसिक तो आप उससे कवर कर सकते हैं, बाकी एडवांस आपको थोड़ा इससे कवर करना पड़ेगा। बाकी मैंने तो आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि मैं आपको अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज के द्वारा मैं पेपर 2 की आपको पूरी तरीके से प्रिपरेशन करवा दूंगी, और आपको एमसीक्यूज की भी प्रिपरेशन करवाऊंगी, प्रैक्टिस शीट भी मैं आपको देती जाऊंगी। इससे क्या होगा कि मेरी भी प्रिपरेशन होगी, तो जब मैं खुद प्रिपेयर कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों की भी हेल्प कर दूँ। ठीक, एक ये बुक हो गई, प्लस ये आप देख सकते हैं यहाँ पर
एमसीक्यूज के लिए ये जो बुक है जो मुझे सजेस्ट किया गया, ये काफी अच्छी बुक है, न्यू विशाल पब्लिकेशंस की है, हिंदी मीडियम की। इंग्लिश मीडियम का मुझे ये जो न्यू विशाल पब्लिकेशंस का मुझे बुक देखने को नहीं मिला, बट अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन पर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हेल्प कर सकते हैं, अगर आपको मिल जाती है तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर बता दीजिएगा। और प्लस इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने ये बुक देखी, क्वेश्चन बैंक ऑन एग्रीकल्चर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे क्वेश्चंस को कवर किया गया है और सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। ठीक, तो अब देखते हैं, अब बात करते हैं हमारा लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 7 फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री की भी मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि फॉरेस्ट्री भी आईएफएस के सिलेबस मेंस का एक पेपर है, फॉरेस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वहीं से ही सारा सिलेबस जो है हूबहू रख दिया गया है जैसा एग्रीकल्चर का रखा गया। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कंपेयर किया हुआ है सिल्वीकल्चर जनरल, राइट। अब ये उसके अंदर के सब टॉपिक्स हैं, तो इससे हमें ही हेल्प मिलेगी कि हम अंदर के टॉपिक्स इस सिल्वीकल्चर जनरल के अंदर जो भी टॉपिक्स आ रहा है उसको हम डिटेल्ड रूप से डिस्कस कर लेंगे। तो अब हमें पता चल जाएगा कि हमें इस मेन टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स हमें पढ़ना है, इससे हमें मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है। ठीक, और देखिए मैं आपको एक लास्ट दिखा देती हूँ, मैंने पूरा जो है पूरा सिलेबस का मैंने यहाँ पर पिक जो है वो अपलोड नहीं किया हुआ है, क्योंकि मुझे एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर सारे बुक्स आपको रिफर करने थे। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मैं अपने टेलीग्राम लिंक पर टेलीग्राम चैनल पर इस पीडीएफ का अगर आपको ब्रीफली अगर आपको देखना है सिलेबस, आपको भी एनालिसिस करना है, तो मैं उसका पीडीएफ जो है वो शेयर कर दूंगी। आप बस यहाँ पर देख लीजिए मोटा मोटा, ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी, देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी, तो ये मेन टॉपिक है और इसके अंदर ये कुछ सब टॉपिक्स आते हैं। लास्ट जो टॉपिक आपको दिया हुआ है दैट इज फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स एंड लेजिस्लेशन, तो ये भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स एंड लेजिस्लेशन। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी न्यूज ये है कि मेरी एक फ्रेंड है, वो यूपीएससी आईपीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है और उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो फॉरेस्ट्री ही है। ठीक, तो उसने मुझे बोला है कि उसने अभी तक अपने जितने भी नोट्स प्रिपेयर किए हैं इन सभी टॉपिक्स पर, तो वो मुझे शेयर करेगी और फिर उसी नोट्स के थ्रू मैं आपकी भी प्रिपरेशन कराऊंगी इस यूट्यूब में जो हम लेक्चर्स अपलोड करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि उसके नोट्स से मैं खुद पढ़ूं और आप लोगों तक भी वो नोट्स दूं, और मैं पीडीएफ के फॉर्म पे भी आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। उसने एमसीक्यूज की बात तो नहीं की क्योंकि मेंस जो है वो आंसर रिटन होता है, तो अगर हमारा थ्योरी बहुत ही अच्छा हो जाएगा तो मैं उसे एमसीक्यूज भी डेवलप कर लूंगी और एमसीक्यूज के फॉर्म में भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस शीट भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। बस आप लोगों को ये करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आई होप यू पीपल डोंट माइंड मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ जो हैं वो बना पाऊँ। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके लिए भी बुक रिफर कर देती हूँ जो मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया, कॉम्पिटिटिव फॉरेस्ट्री, ये जो है ये काफ़ी अच्छी बुक है, न्यू विशाल पब्लिकेशंस की है ये बुक। उसने मुझे सजेस्ट किया है कि फॉरेस्ट्री के लिए अगर पढ़ना है तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। बाकी मैं आपको एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री की जो है मेरी फ्रेंड की जो फ्रेंड है उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है, तो उसने कहा है कि वो अपनी फ्रेंड से एग्रीकल्चर के नोट्स लेकर वो मुझे शेयर करेंगी और उस नोट्स को मैं आप लोगों तक शेयर करूंगी। लेकिन आप लोगों को ये श्योर करना होगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोज़ बना सकूँ। सो आई होप आज का ये वीडियो जो होगा आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। आप लोगों के मन में जितने भी क्वेश्चंस थे कि कौन सी बुक्स रिफ़र करें, तो आप लोगों का वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, क्या ये वीडियो हेल्पफुल था या नहीं था, आप नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।